एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फाइनली आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। जितने भी आपके शिफ्ट होनी थी सारी हो चुकी है। 9 शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का पेपर किस लेवल का पूछा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वो सेफ हो सकते हैं, और जो आगे की आपकी जो भी रणनीति होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कैसे आपको पेपर को डील करना है, कैसे आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का पेपर की डिस्कशन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने मुझे वैसा ही रिव्यू दिया है कि वैसा ही ऑलमोस्ट पेपर पूछा गया है। एक सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू दिया है कि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ पूछी गई थी, वो कैब के ऊपर ज़्यादा फोकस था, और जिन एस्पिरेंट्स की वो कैब वीक थी तो उनके लिए तो अपने आप ही पेपर टफ हो जाता है। उसके साथ थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि इंग्लिश को ट्रिकी पूछा गया था, मॉडरेट लेवल पे पूछा गया था। कल की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके भी कुछ एस्पिरेंट्स का मेरे पास रिव्यू आया बाद में कि मैडम हमारा जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट आई गेस तीनों ही दिन के ऊपर अच्छी पूछी गई है। बाकी वही सिमिलर पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह थे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी, कुछ ज़्यादा डिफरेंट था नहीं पेपर का जो लेवल वगैरह था या जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। तो मेजर अब चीज़ें हैं कि मैडम अब क्या, एग्ज़ाम हो गया हमारा, प्री हो गया है, प्री हमारा जिसका जैसा भी जाना था उनका वो चीज़ हो गई है, तो अब नेक्स्ट क्या हमारे लिए। तो देखो, नेक्स्ट आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं, जिनका जैसा लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर पाएंगे, जिनकी जितनी कैपेसिटी है प्रिपरेशन की उतनी वो डिसाइड कर पाएंगे। आपके सामने सीजीएल है, 15 डेज के अंदर आपका सीजीएल आ रहा है। अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है तो सीजीएल की प्रिपरेशन पे लग जाओ। मैं भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, बाकी भी इतने सारे एजुकेटर्स हैं, आपको सब अपना अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी होगी वो मैं कल आपकी या कल या परसों अपलोड कर दूंगी, जो अभी तक सीजीएल के अंदर मेरे साथ नहीं कनेक्टेड थे, क्योंकि अभी तक मैं जो एस्पिरेंट्स को दे रही थी अपना जो डेली टारगेट्स वगैरह हैं वो उन एस्पिरेंट्स को दे रही थी जो सीपीओ में अब मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे। अगर आप पहले से सीपीओ की तैयारी करते थे, अब सीजीएल के ऊपर स्विच होना है आपको, तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। उससे अलग कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हमसे नहीं होगा या वट एवर द रीजन्स आर देयर, तो एसएससी जीडी का एग्जाम भी है और कुछ टाइम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी आने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इज़ ए वेरी गुड जॉब। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो एसएससी सीपीओ में सिर्फ दिल्ली पुलिस को छोड़ के बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बाकी के एसआई छोड़ के, मतलब सब इंस्पेक्टर छोड़ के दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गर्ल्स के लिए भी स्पेशली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं रहता है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो आप उसके ऊपर भी स्विच हो सकते हो। और भी स्टेनो वगैरह का एग्जाम है, अगर किसी का उसका एग्जाम है तो उसके ऊपर आप जा सकते हो। उसके साथ साथ आपकी जो चीज रहेगी वो रहेगी कि फिजिकल की प्रिपरेशन, मेडिकल कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। मेंस की मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। फिजिकल से रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, मैंने कैसे फिजिकल की तैयारी की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपके फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उसके साथ साथ आपको कैसे डील करना है, क्योंकि सीजीएल भी साथ में चल रहा है, सीपीओ भी साथ में चल रहा है, दोनों चीज़ों को कैसे डील करोगे वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। उसके ऊपर उससे अलग भी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी वीडियो की आपको नीड है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम हमें ये बता दो या हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो फ्री टू आस्क, आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं सारे लोगों के पर्सनली कमेंट्स को पूरा देखूंगी कि कौन से टॉपिक के हम ऊपर हमें वीडियो देनी चाहिए, कौन से टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपको वीडियो आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आप कितने परसेंट या कितना अटेम्प्ट हुआ है तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। उसके ऊपर जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको ऑलरेडी दे रखी है उस कट ऑफ की वीडियो को देख लो, और उस कट ऑफ में सिर्फ 5 नंबर ऐड कर लो, हर शिफ्ट के अंदर 5 नंबर ऐड कर लो, और वो आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार का जो पेपर है उसके लिए। उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाएगी। पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचे गया है, हल्का सा, कुछ बच्चों को लग भी सकता है कि मैडम ऐसे कैसे बोल रहे हो, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि थोड़ा सा नीचे गया है जो एक्सपेक्टेड था, तो इस वजह से 5 से 7 नंबर उसके अंदर ऐड कर लो। अगर आपके उसके आसपास बनने के चांसेस हैं तो आपको फिजिकल भी साथ में करना है, मेंस की प्रिपरेशन भी साथ
साथ में करनी है, और किसी का बहुत अच्छा गया है तो उसकी मेंस के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। साथ में सीजीएल का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, इतनी सारी वैकेंसी है, तो सीजीएल के ऊपर स्विच हो जाओ, सीजीएल की तैयारी करो अच्छे से। सीजीएल जब आप अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद अपने पास टाइम रहेगा कि हम बाकी चीज़ों को भी डील कर पाएँ, तो बाकी चीज़ें उस टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर, बस मेरे को आपसे सजेशंस चाहिए कि आपको कौन कौन सी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ और आप उस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। अगर ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो उसके ऊपर भी मेरे को ज़रूर बताना, उसके लिए भी आपके सजेशंस वेलकम हैं, आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा कि कैसे आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल थी, क्या क्या हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।